वंदन, आज हम शेमुषी द्वितीय भाग दसम वर्ग आया है संस्कृत पाठ पुस्तक को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं ये द्वितीय भाग संस्कृत पाठ पुस्तक शेमुषी, ये पाठ है चतुर्था शिशु लालम शिशु से स्नेह करना। ये मैं आपको इसके पहले का जो नाटक का भाग है उसको मैं समझा चुकी हूँ, उसी के आगे आज हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या समझना है? शिशु से स्नेह करना, इसी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, राम अहो उदात्त रम्य समुद्राचार्य किम नामधेय भक्तगुरु लभ्यावोदनन भगवान वाल्मीकि नाम राम के संबंधित संबंध से लभ उपनयनोपदेशे राम अहमत भवतो जनकम नाम तो वेद वेद तू निक्षामि लभ न हि जानस्य जानामस्य यस्य नाम नाम नियम ना कश्चिद् दशमिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति राम अहो महात्म्य पुषः जानाम्य हम तस्य नाम नियम राम कथ्यताम पुषः निर नु प्रोषो नाम। चलिए अब इसके बाद हम इसके जो शब्दार्थ है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। शब्दार्थ समझिए, उसमें उदात्त रम्य यानी अत्यधिक मनोहर यानी रमणीय समुदाचार या शिष्टाचार यानी शिष्टाचार नाम नाम रंगुनी संदेह है ना उपनयन उपदेश दीक्षा के कारण फिर है नामतः वेद तुम जाना व्यवहारती व्यवहार में व्यवहार निर्नुपोष है दया समझिए अनुवाद देखते हैं। जैसे कि हम राम ने पूछा अहो अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है आपके गुरु का क्या नाम। लव ने क्या कहा? निसंदेह भगवान वाली राम के संबंध से उपनयन यानी गोपी की दीक्षा के कारण से राम मैं आप दोनों के पिता को नाम से जानना चाहता हूँ। मैं उनका नाम नहीं जानता, इस तपोवन में कोई भी उनका नाम व्यवहार में नहीं लाता। राम बहुत महिमा है पुष्प में उनका नाम जानता हूँ। राम बताओ दया रहित नाम ऐसा आगे पढ़ते हैं। राम वयस पूर्वम खलु नाम धेयम विदुष्ट विचिन्त्यम एव तावत् रक्षामि निर्नु कोश इति का एवं भणति कुश अम्बा विदुष्ट किं तु पिता एव भणति उत् प्रकृति प्रकृतस्थ तथा कुश यद्या वयोर बाल भाव जनितम किंचित् विनियम पश्यति तदा एवं अधि 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 चपति निर्नु आक्रोशस्य पुत्र मा चापलमिति विदुषता एत योर यदि पितुर निर्नुक्रोश इति नाम दिया एक एक योर जननी तेना तेना वा मानिता निर्वसीता एतेन वचनेन द्वारकौ निर्भत्स्यति। क्या उन्होंने बोला कि निर्भत्स्यति राम स्वागतम दिन माम एवं भूतम सा तपस्वी मत वृते ना पराधेन स्वापत्य एवं मन्यु गर्वै रक्षैर निर भरत सति ऐसा कहा। चलिए आगे पढ़ते हैं। शब्दार्थ समझिए, वयस मित्र वयस्क आया मित्र विचिंत सोचकर चिंतनम भणति भणति माने कहता है कर्मति हम कथयति यानी कहना अम्बा यानी माता या जननी उत अथवा प्रकृति स्थता स्वाभाविक रूप से यावत वयोर भाव बाल भाव जनितम यदि हम दोनों की बचपन में काल उत्पन्न हुई यदि धन आवयो बाल भाव जनितम ठीक है अभिनियम दंडता चपलता ठीक है फिर अधिक्षिप्त पट काटती है अधिक्षेपम करोति चापलम चंचलता निर्दय फिर है अवमानिता यानी अपमानित अपमानित तिरस्कृता निर्वसिता घर से निकाला गया होगा ग्रहार निष्काशिता द्वारका दोनों पुत्रों को पुत्रों निर्भस्यति धुकाती है तर्जति मत प्रत्यय मेरे द्वारा किए गए स्वापत्यम अपनी संतान को मन्यु गर्भ यानी क्रोध से
पुष्लवियो मातरम वाल्मीकि के नाम ना आहो पुष्लवियो मातरम वाल्मीकि के नाम ना। यहाँ पर देखिए क्या है, पुष्लव की मातरम वाल्मीकि किस नाम से, कभी मैंने आपको पढ़ाया था पुष्लवियो मातरम वाल्मीकि बधुर इति नाम, यानी किस नाम से, बधु नाम से पुकारते हैं। अब यहाँ पर दिया है रेखांकित रेखांकित पदेशु भर्तम दत्तानम सर्वनाम अनुसार में, जैसे भी जो रेखांकित शब्दों में विभक्त है उसके कारण का उदाहरण के अनुसार करना है। जैसे यहाँ पर दिया ना यज्ञ उदाहरण दिया राजन अलम अति दाक्षिण्य, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप विभक्ति दी है और दत्तानम दी है, द्वितीय यानी यह अलम यानी युगे अलम युगे। अब यहाँ दिया है जैसे राम लघुशः आसन आसनार धर्म द्वितीय अलम योगे राम उपसर्ग करना, तो यहाँ यहाँ पर देखिए उपधन सो योगे, ठीक है। यथा निर्देश मुद्रा दशा दिया है, जैसे जलान्या तस्य नाम देयम् अस्मिन् वाक्य इसने जो कर पद है वो कहते हैं इसमें आएगा अहम्। फिर अब इसमें दिया है किम कुपितायै भारती उत्तर प्रकृतस्था, तो यहाँ पर अस्मान वाक्य हर्षिता इति, ठीक है ना। तो पदस्य विपरीतार्थ उन पदम जन है विपरीतार्थ को लिखना कि यहाँ पे क्या है कुपिता हर्षिता का क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा कुपिता, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। विदुषिका उच्चरित अज्ञानैति भवान अत भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो कौन से उसमें आया रामाय। अब इसका दिया है तस्मान अंक द्रवितम अभ्यास अभ्यास रेपा अभ्यास रेपाम सिंहासन अत्र क्रिया कदम किम, यहाँ पर आया अभ्यास याताम अभ्यास याताम, ठीक है। इसके बाद है अधोलिखित वाक्यानि कम कम प्रति कथित, यानी किसने किसके लिए कहा है, कम कहा यानी किसने किसके लिए कहा, तो ये थे स्व्यवधानम च चरित्र लोपाय, ये जो है यहाँ पर दिया कहा यानी किसने किसके लिए, तो राम ने राम लघुशम। फिर केन कुपिता एक भणति उदर प्रतस्था विदुषुका कुष्मा, फिर जनान्यम तस्य नाम धियम तो कुशः राम के लिए, तस्य दो नाम भी लघ और विदुषुका के बीच है। फिर है वयस अपूर्णम खलु नाम राम और विदुषक। अब यहाँ पर देखिए मंजूषा यानी जो मंजूषा ने दिए जो पेटी दी है ना आपको, एक जो बॉक्स है इसमें से आपको पर्याय पदम चित्वा चित्वा पदानाम समक्षम है, तो जो मंजूषा से दो पर्याय शब्दों को चुनकर जो है दो शब्द चुनकर लिखना है। देखिए कैसा आएगा, जैसे भिमकरा किसका आएगा शशि निशाकर, सम्प्रति इदानी अधुना समुदाचार्य शिष्टाचार्य सदाचार, पशुपति शिव और चंद्रशेखर है भगवान शंकर के लिए, तानियासुत और पुत्र बोलते हैं, फिर सहस्त्र दीधिति सूर्य और भान, ठीक है। आप इस प्रकार से आगे विशेषण और विशेष पदानी होता है, विशेषण और विशेष शब्द को मिला, ठीक है, जैसे दिया हुआ है शलाघ्य तो कथा उसमें जैसे दिया विशेष पदानी कथा। अब इसमें दिया है जैसे उदात्त रम्य, तो यहाँ पर क्या आएगा उदात्त रम्य का, तो पहले का क्या जाएगा यहाँ पर दिया है का, ठीक है। फिर अति दीर्घ का क्या जाएगा यहाँ पर प्रभास, फिर दिया है समरूप समरूप का क्या जाएगा यहाँ पर कुटुंब वृत्तांत, ठीक है। चौथा जो फोर्थ वाला दिया है आपको चतुर्थ वाला, तो हृदय ग्राही तो इसमें क्या आ जाएगा स्पर्श, फिर कुमार इसमें क्या जाएगा आपका कुशल वायु, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको करना है, इसके उत्तर दिए हुए। आप यहाँ सातवां नंबर का जो प्रश्न है आधुनिक पदे से संधि संधि करना है, कैसे इसमें दिया है देखिए संधि का द्वयधन द्वयोधन अपी, तो यहाँ पर आएगा जी देखिए इसका आंसर दिए द्वयपुरी द्वधन अपी द्वापी आएगा, का धन अत्र ओवत्र आएगा, फिर दिया है अनभिज्ञ धन अहम, तो अनभिज्ञ अहम, ठीक है। फिर इति धन आत्म मानम, तो क्या आएगा इत्यात्य मानम। अब आता है इसी का आधुनिक के प्रदेशों जो विच्छेदन करते हैं इसके शब्दों में विच्छेदित करना, तो अहम अहमक पे ये तीतियो, तो क्या आएगा अहम धन अपि धन एतियो,
फिर दिया है बयो अनुरोधात, वह धन अनुरोधात, समाना समाना भी जनो, ये दो शब्द दिया है, इसका क्या आएगा, समान धन अभिजनो, ठीक है, इसी दिया। अब है खल वेतक, तो क्या खल धन के, इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको ये जो शिशु लालम वाला चतुर्थ पाठ आपको पढ़ाया समझाया, इसके प्रश्नोत्तर पढ़ाए, तो आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए और याद भी करते जाइए। धन्यवाद।